आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले, जो अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर दे दिया है, सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में आपके कौन कौन से प्रश्न आने हैं, क्या क्या टॉपिक है, तो बात करेंगे हम सेकंड सेमेस्टर की। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने पहले बताया जा चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, और उस फर्स्ट सेमेस्टर को में क्या क्या आने थे उसके बारे में बताया। अब हम सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे। सेकंड सेमेस्टर में आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में क्या आने वाला है और क्या उसमें बताया गया है, तो ये बात, जैसे मान लो आपको थोड़ा सा चैनल के बारे में बता दूं, चैनल में अपने कौन कौन से विषय जो है पढ़ाए जाएंगे, फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक की जो क्लासेज होती है, और इस वर्ष जो है एमए की क्लासेज भी पॉलिटिकल साइंस और हिंदी की शुरू होगी। बीए फर्स्ट ईयर से फाइनल तक आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, हिंदी लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, और जैसे आपका जो पर्यावरण है, कंप्यूटर है, इनसे संबंधित और कंपटीशन क्लासेस भी अपलोड की जाती है। तो आप अवश्य ही चैनल पर विजिट कीजिएगा। अच्छी जो जो टॉपिक आपको नहीं मिले वो वीडियोस में नंबर भी दिए हुए हैं, वहां से भी आप देख करके बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज हम सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे, यानी आपके जो बीए की क्लासेज है या बीएससी है, इनके लिए जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट है उनके लिए, जैसे सेमेस्टर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इस प्रकार के 6 सेमेस्टर होने हैं। उनमें से अभी जैसे सेकंड सेमेस्टर, और आज हम बात करेंगे एमडीएसयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर, इनमें आपके सेकंड सेमेस्टर में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्या जो सिलेबस है उसमें क्या क्या बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर की एमडीएसयू की बात करेंगे, और यूनिवर्सिटी है उनके वीडियो भी अपलोड है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, कोटा है, जोधपुर है, आपके जैसे शेखावटी यूनिवर्सिटी है, भरतपुर यूनिवर्सिटी है, अलवर यूनिवर्सिटी है, आपके जैसे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, और भी जितने भी यूनिवर्सिटीज है राजस्थान के, सभी यूनिवर्सिटीज का इसमें जो है वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप जरूर ढूंढें। और वैसे आपको बता दूं कि जैसे यूनिवर्सिटीज में इतना सिलेबस में डिफरेंस भी नहीं है, जैसे अब बात करें पॉलिटिकल की, पॉलिटिकल जो है सभी यूनिवर्सिटीज में समान है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं सेकंड सेमेस्टर में आपके जो इंग्लिश का है उसमें आपके क्या आना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है एमडीएसयू की एईसी, जिसको है ना, जैसे इंग्लिश में क्या क्या है, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए है। सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या सिलेबस में है, देखिए 3 घंटे का पेपर होना है, 70-30 वाला, वही बात है। पहली बात है आपके टेक्स्ट बुक है स्पेक्ट्रम, जो आपकी बुक है उसमें से जो है इसमें एन एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी इसमें शॉर्ट स्टोरीज है, उसके टेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक है उसमें से प्रश्न आएंगे। पहले वाला अलग था, ये थोड़ा अलग है। फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट में तो आपके इसमें से आएंगे, और उसमें कौन कौन से आएंगे, देखिए एन एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ईडीजे, शशि कुमार एंड पॉल गणेश शंकर, ओरियंट ब्लैक स्वान, फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 12, यानी ये जो ऊपर बुक है स्पेक्ट्रम जो बुक है आपकी, उसमें से चैप्टर नंबर 7वें से लेकर के चैप्टर नंबर 12वें तक, यानी 7वें पार्ट से लेकर के 12वें पार्ट तक के प्रश्न जो है सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड सेमेस्टर में आपके ग्रामर में से क्या आएंगे, देखिए रिपोर्ट राइटिंग आएगा, ब्लॉग राइटिंग आएगा, क्वेश्चन टेक आएगा, ये क्वेश्चन टेक करवाया हुआ, प्रोवर्ब और आइडम्स आएंगे, यानी कहावतें और जो मुहावरे हैं वो आएंगे, और आपके ये देखिए प्रोवर्ब और आइडम्स जो है इनमें से ही आएंगे, वंस इन ए ब्लू मून, बीटिंग अराउंड द बुश, क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क, स्पिल द बीन्स, पीस ऑफ केक। अब क्या है कि इनका क्या है कि जैसे मान लो आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, ब्लेजिंग इन डिस्गाइज, गोल्डन हैंडशेक, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, आइसिंग ऑन द केक, जंप द बैंडवैगन, डोंट जज अ बुक बाय इट्स ओवर, लास्ट स्ट्रो, फील अंडर द वेदर, व्हेन पिग्स फ्लाई, टू ऐड इंसल्ट इन इंजरी, ये है आपके इनमें से आइटम्स, इनमें से आएंगे, और टेंस आएंगे, देखिए टेंस आएंगे, टेंस पूरे करवाए हुए हैं, टेंस जो है 5 नंबर का प्रश्न आएंगे आपको करवाए हुए हैं पूरे, क्वेश्चन टेक करवाए हैं, रिपोर्ट करवाई हुई है, लेटर करवाए हुए हैं। इसके अलावा थर्ड जो यूनिट होगा उसमें आपके रिज्यूम राइटिंग होगा, रिज्यूम जिसमें आपके बारे में
आपको जिसको आप स्वव्रत कह सकते हैं, यानी आप जो है अपना एक आवेदन पत्र जब भरते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। लेटर राइटिंग आएगा, यानी कि ऑफिशियल एक्नोलेजमेंट अपोलॉजी ऑर्डर लेटर, ये लेटर आएंगे, ये भी लेटर करवाए हुए हैं। अनसीन पेसेज आएगा, बहुत अच्छी बात है। सिनोनियम और एंटोनियम, यानी आपके पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आएंगे इसमें। कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश का मतलब है कि आपके आपके सामने सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में जैसे मान लो हेल्पिंग वर्ब की गड़बड़ रख दी है, जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, तो बुक्स बहुवचन है तो इसमें इज नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए, इस प्रकार की जो है एरर्स रहेंगे उसमें। जंबल्ड सेंटेंस वैसा ही है, एक सेंटेंस होगा जिसमें बहुत सारी त्रुटियां होगी, उन त्रुटियों का आपको कम करना होगा। और असेसमेंट जो है, इंटरनल एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन अबव मेंशनड जो थ्री यूनिट्स है, इनके आधार पर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन भी होगा जो 30 नंबर का होगा। प्रोजेक्ट वर्क जो वाइवा जिसको कहते हैं वो 30 नंबर का, 70 का पेपर होगा, 30 का आपके ये होगा। और आप जानते हैं इसके नंबर इस बार जुड़ने लग गए हैं, आपके जो नंबर है वो जुड़ भी रहे हैं, तो आप अवश्य इसको देखें। तो ये था इंग्लिश का। अब बता दूं आपको आपके हिंदी में क्या है, हिंदी में जो भी आपके सेकंड सेमेस्टर में हिंदी का विषय रहेगा सामान्य हिंदी संप्रेषण, पहला आया था वो भी वो सामान्य हिंदी भाषा व्याकरण था, सामान्य हिंदी व्याकरण था, ये सामान्य हिंदी संप्रेषण है, इसमें भी वैसा ही है, ये सेकंड सेमेस्टर का है और एमडीएस यूनिवर्सिटी का है, ये ध्यान रखना। इसमें देखिए सामान्य हिंदी संप्रेषण में आपके 3 घंटे का पेपर होना है, वही बात है 70 और 30 का है, 70 का पेपर आएगा, 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसमें गद्य संकलन में आपके देखिए एक तो ग्रामोत्थान नानाजी देशमुख, पर्यावरण सनातन दृष्टि छगन मेहता की, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये आपके हरिशंकर प्रसाई का एक व्यंग्य है, लक्ष्मा जो एक रेखा चित्र है माधवी वर्मा का, अग्नि की उड़ान एक परिच्छेद है एपीजे अब्दुल कलाम का, ये आपको याद करने हैं। इसके अलावा फुलवा स्त्री विमर्श है रत्न कुमार सांबरिया का, चयनित कहानियों में से फुलवा फुलवा। और इसमें जो किताब है वो अनामिका प्रकाशन, अनामिका पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर, इसके आधार पर ये बुक है, इसमें भी ये 6 कहानियां पूरी मिल जाती है। इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर सेकंड जो होगी आपकी इकाई, सेकंड इकाई में फर्स्ट इकाई में वो पार्ट हो गए गद्य का, और इसमें आएंगे पारिभाषिक शब्दावली, आएगी पारिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी और हिंदी में, जैसे अंग्रेजी में जैसे कैबिनेट नाम आ गया उसका अंग्रेजी में, हिंदी में जैसे नाम दे दिया मंत्रिमंडल इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इस प्रकार के शब्द आएंगे। शब्द युग्म और अर्थ भेद आएंगे, शब्द युग्म जैसे अनल अनिल, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आएंगे। और सपर्यायवाची शब्द उपसर्ग प्रत्यय ये भी आएंगे, पत्र लेखन आएगा, तीसरा जो इकाई होगी उसमें निबंध लेखन आएंगे, निबंध आएंगे। इसके अलावा प्रारूप जैसे विज्ञापन है, निविदा है, परिपत्र रजिस्ट्रेशन, ये सब करवाए हुए हैं, ये आप चैनल से देख सकते हैं। इसी प्रकार आपके वही बात है जो आपके एक्सटर्नल यानी जो पेपर होगा वो 70 का होगा, इसके अलावा 30 नंबर के जो होंगे वो प्रोजेक्ट और मौखिक, प्रोजेक्ट 15 का होगा, मौखिक परीक्षा 15 की होगी, इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि भाई व्याकरण जो है वो कौन सी अच्छी रहनी चाहिए, 3 तरह की व्याकरण दी हुई है, कामता प्रसाद गुरु की, हरदेव बारी की, आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना, ये आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की, ये बहुत ही अच्छी है, आगे कंपटीशन में भी काम आने वाले, वैसे तीनों ही व्याकरण अच्छी है। इसमें जो है थोड़ा और भी डिटेल में दिया आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना, इसमें बहुत सारी बातें मैंने जो पढ़ी है, मेरी वैसे मेरे पास तीनों है, लेकिन ये जो है व्याकरण आप यदि आप पढ़ते तो आपको और भी नवीनता प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया, सभी विषयों के जितने भी जो सिलेबस है, जितने भी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस है वो सारे आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा ताकि आप जो है वो समय के अनुसार और जो टॉपिक के अनुसार यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।